हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कुर्ती का नया लुक लेकर आए हैं। दोस्तों, इस नए लुक को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी नॉर्मली कुर्ती की कटिंग कर लेनी होगी अपने साइज के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों, आपको एक मैचिंग कपड़ा ले लेना होगा कुछ इस प्रकार से। अगर आप चाहें तो कुर्ती का कलर और मैचिंग कपड़ा कुछ अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, हम अपनी कुर्ती को नया लुक देने के लिए क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से खोलेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों हमने अपनी कुर्ती का जो सीधा भाग है ऊपर की तरफ रखा है और उल्टा भाग हमने नीचे की तरफ रखा है। इसके बाद हम करेंगे मार्किंग। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे अपने नेक की, जिसके लिए आप देख रहे हैं हमारी कुर्ती की जो सेंटर लाइन है वो इस प्रकार से बनी हुई है। ये हमारी सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन से 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, मतलब कि 7 इंच ब्रॉडनेस का निशान हम लगाएंगे। ये हमारी ब्रॉडनेस का निशान लग गया है। और साथ ही हम आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.roofffashionpoint.com। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस या फिर अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उनकी ड्रेस के बारे में, उन्होंने कौन से फंक्शन पर कौन सी ड्रेस पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। तो ये हमने अपना जो निशान लगाया है, इस निशान से हम अपना 2.5 पर एक निशान इधर की तरफ और लगाएंगे, मतलब कि 2.5 इंच पर। ये हमने अपना 2.5 इंच पर मार्क लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों, हम अपनी कमर का जो निशान लगाते हैं 14.5 पर या 14 पर, उस निशान तक आपको क्या करना है, ये देखिए हमारा यहाँ पर कमर का जो है कट लगा हुआ है। इस कट पर हम थोड़ा सा मार्क को इस तरीके से सीधा कर लेंगे ताकि आपको हमारी जो मार्किंग है वो ठीक तरीके से समझ में आए। अब हम इस मार्क से इस मार्क तक अपनी एक सेफ देंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारी जो सेफ है वो निशान से 1/2 इंच नीचे की तरफ आई है। अब हम अपने निशान को थोड़ा डार्क कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमने अपनी मार्किंग कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पर अंदर वाले निशान से कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी अंदर वाले निशान से जो है कटिंग हो गई है। और दोस्तों, अब हम अपना ये वाला जो पैटर्न है अपने मैचिंग कपड़े पर काटेंगे। किस प्रकार से काटेंगे, ध्यान से देखना। तो दोस्तों, ये हमने अपने मैचिंग कपड़े को कुछ इस प्रकार से बिछाया हुआ है, सीधा भाग ऊपर की तरफ। इसके बाद हम अपने पैटर्न को उसके ऊपर की तरफ रखेंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये देखिए, ये हमने अपने पैटर्न को रख दिया है। और इसके बाद हम यहाँ से कपड़े से मिलाकर बिल्कुल सेम कटिंग यहाँ तक कर लेंगे। तो ये हमने अपने पैटर्न से मिलाकर नीचे वाले कपड़े को सेम काट लिया है और इस कपड़े को हटा देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको इसमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, 1/2 इंच का मार्जिन तो इसको जोड़ने में चला जाएगा, जब हमारा ये पैटर्न उसमें जुड़ेगा तो उसमें चला जाएगा। और 1/2 इंच हमारी कुर्ती में जो मार्जिन है वो मार्जिन इसमें आएगा, तो टोटल हमें चाहिए होगा 1 इंच का मार्जिन। इसलिए हम यहाँ पर अपना 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पैटर्न की कटिंग हो गई है। इसके बाद चलिए मशीन पर हम अपने पैटर्न को अटैच करेंगे। तो दोस्तों, पैटर्न को अटैच करने के लिए आपको अपनी कुर्ती का जो भाग है वो ऊपर की तरफ सीधा रखना होगा और ये जो पैटर्न है पैटर्न का सीधा भाग नीचे की तरफ करके रखना होगा, कुछ इस तरीके से। देखिए, और फिर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई से इसको अटैच कर देना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने पैटर्न को अटैच कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी इंटरलॉक कर लेंगे और इंटरलॉक करने के बाद में इस पैटर्न को जो खोलेंगे तो देखिए जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम अपने पैटर्न पर फिनिशिंग के साथ प्रेस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रेस लगाने के बाद में हमारे जो पैटर्न का लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अपना एक नेक काटा हुआ है जिसकी ब्रॉडनेस 7 इंच रखी है और लंबाई 4 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक को नॉर्मल तरीके से अपनी कुर्ती में बना लेंगे, जैसे बेसिक नेक बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना नॉर्मल तरीके से नेक बना लिया है। और इसके बाद हम अपने नेक पर एक चौड़ी सी पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए हम अपने नेक को इस तरीके से उल्टा करेंगे
और उल्टा करने के बाद में हम लेंगे एक और एक पट्टी जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर अपनी 1.5 इंच काटी हुई है। अब हम इसको यहाँ पर अपने नेक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी गोलाई में अटैच कर देंगे। तो ये हमने अपनी पट्टी अटैच कर दी है। इसके बाद हम अपने नेक को इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में अपनी पट्टी को पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम अपने पूरे नेक में गोलाई में पट्टी को अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने गले पर फिनिशिंग के साथ पट्टी लगा दी है। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ हम आपको यहाँ पर एक पॉकेट लगाना बताएंगे जिसमें आप अपना कोई भी सामान आसानी से रख सकते हैं। तो पॉकेट लगाने के लिए हम फिर से अपना वही मैचिंग कपड़ा यूज़ करेंगे। साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पर अपना एक पेपर पे पॉकेट का साइज़ काटा हुआ है। पॉकेट का साइज़ दोस्तों हमने ये रखा है 7 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई। अब हम अपने पेपर के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। कैसे करेंगे अब हम आपको प्रेस से बताते हैं। पहले हम अपने कपड़े को सीधा सीधा रखेंगे। आड़ा ये है और सीधा ये है। पॉकेट जो बनेगी दोस्तों वो सीधी बनेगी। तो यहाँ पर हम अपने पेपर को इस तरीके से बीच में रखेंगे और रखने के बाद इस तरीके से हम ऊपर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में एक बार फिर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम इसके इस साइड से और इस साइड से सब तरफ से सिंगल सिंगल फोल्ड करेंगे। मतलब हमने यहाँ पर डबल फोल्ड किया है, यहाँ पर सिंगल ही सिंगल रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पॉकेट है वो कुछ इस तरीके से बनकर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉकेट को कुर्ती में अटैच करेंगे लेकिन इसके अंदर का जो मार्जिन है थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी पॉकेट में से पेपर को निकाल दिया है और अपने पॉकेट को कुर्ती पर इस तरीके से सेट कर लिया। ये जो हमारा चाक खोलने वाला कट है, इस कट से 1 इंच पॉकेट को ऊपर की तरफ सेट करते हुए तीन तरफ हम अपनी पॉकेट की सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर आप अपनी सही तरीके से टांकी बांध लेंगे जिससे कि आपकी सिलाई दोबारा कभी खुले ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी पॉकेट है वो इस तरीके से लग गई है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट काम ये है, आपको यहाँ पर अपनी जो 3 पट्टियाँ बनानी है और यहाँ पर लगानी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी कुछ इस प्रकार से 3 पट्टियाँ बनाई हुई हैं। इनको हम अपने नीचे की तरफ यूज़ करेंगे। ये पट्टी दोस्तों हमने पलटकर बनाई हुई है और इनका ऊपर की तरफ वाला एक एक हिस्सा अंडरग्राउंड रखा हुआ है, मतलब कि बंद करके पलटा हुआ है। इसको हम कैसे सेट करेंगे अपने चाक के साइड में, ध्यान से सुनना। ये तो देखिए 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो गया जो कि चाक में इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद इस चाक वाले निशान से 1 इंच अंदर की तरफ आपको अपनी पट्टी को इस तरीके से सेट करना होगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया है। इसके बाद इसके बराबर में हम यहाँ पर अपनी दूसरी वाली पट्टी को 1 इंच का ही गैप देते हुए सेट करेंगे और नीचे से ऊपर से थोड़ा छोटा रखेंगे इसको इस तरीके से। अब इसके बाद इसी तरीके से तीसरी वाली पट्टी को भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे 1 इंच का ही गैप देते हुए। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी एक पट्टी को पूरा अटैच कर दिया है। जैसे हमने आपको बताई थी उसी तरीके से हम अपनी बाकी की 2 पट्टियाँ भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने कुर्ती के डिज़ाइन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों हम अपनी कुर्ती की नॉर्मल तरीके से सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद में जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। दोस्तों, अगर आप कुछ और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें जिसका नाम है www.roofashionpoint.com, जहाँ पर हमारे आपको सारे डिज़ाइन एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग से भी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।